रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर बसे त्योथर जनपद के अमीलिया पंचायत के सरपंच से परेशान होकर ग्रामीण ललित मिश्रा ने लगभग 14 बिंदुओं की जांच कराने को लेकर रीवा कलेक्टर और रीवा जिला पंचायत सीईओ को कई बार आवेदन दिया, जिसके बाद आज तक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच न करने और कार्रवाई न होने के कारण परेशान ग्रामीण ललित मिश्रा ने त्योथर एसडीएम को आमरण अनशन करने और इच्छा मित्रियो मांग की। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि लगातार सरपंच द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण कराया जा रहा है, साथ ही घटिया पीसीसी निर्माण कार्य कराया गया है। ऐसी ही लगभग 14 बिंदुओं पर शिकायत की थी, पर सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। पीड़ित 17 जुलाई से पंचायत भवन के सामने अनशन पर बैठने और कोई कार्रवाई नहीं होने पर 21 जुलाई को इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मैं ललित मिश्रा ग्राम पंचायत अमीलिया से हूं। ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की मैं लगातार शिकायत करता था। मैं पूर्व में पंचायत चुनाव में भी भाग लिया था, जिसके कारण हमारे ग्राम के जो सरपंच नियुक्त हुए हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनके द्वारा लगातार मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मुझे न तो खेती करने दिया जा रहा है लगातार, और मैं ऊब करके माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे करके इच्छा मृत्यु की मांग किया हूँ, क्योंकि अगर सरपंच को किसी को ग्राम पंचायत में रहने के से वंचित करने का अधिकार दे दिया गया है और लगातार प्रताड़ित करने का, देश भावना से प्रताड़ित करने का अगर अधिकार है, तो निश्चित तौर पर मैं राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से ये चाहता हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि मेरा परिवार भय के सहाय में रह रहा है। मैं दिनांक 17/7/2024 से ग्राम पंचायत भवन अमीलिया के समक्ष आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। अगर 3-4 दिवस के अंदर मेरी मांगों की सुनवाई नहीं हुई, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं दिनांक 21 तारीख को अगर इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं मिल पाती है तो आत्मदाह के लिए मजबूर होऊंगा, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।